बरेली राष्ट्रीय लोकदल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आरिफ महमूद का बरेली के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। खतौली उपचुनाव में जाते हुए राष्ट्रीय लोकदल के अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष आरिफ महमूद साहब कुछ देर बरेली में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मिले। गेस्ट हाउस में बरेली पार्टी के नेता सर्वेश पाठक के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सबसे पहले अध्यक्ष का स्वागत नरियावाला चौराहा पर अबरार अली एवं उनके साथियों ने फूल मालाओं के साथ किया। इसके बाद काफिले के साथ वह पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पहुंचे, जहां राष्ट्रीय लोकदल के जिला प्रभारी सर्वेश पाठक, मंडल अध्यक्ष जाफर मंसूरी साहब, मोहम्मद मतलूब अथर अली ने अपने साथियों के साथ उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। मैं आरिफ महमूद, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा राष्ट्रीय लोकदल, और मैं नगर निकाय चुनाव का उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी हूँ। देखिए, आज हम तो निकल रहे थे, लखनऊ से चले थे खतौली के लिए मुजफ्फरनगर में, जहां उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी के गठबंधन से हम चुनाव लड़ रहे हैं। मदन भैया जी हमारे प्रत्याशी हैं, तो वहां पर हम लोग जा रहे थे प्रचार के लिए। और जितने भी लखनऊ से हमारे ज़िले जो रास्ते में पड़ते गए, हर ज़िले में हम अपनी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से, सारे लोगों से मिल करके नगर निकाय चुनाव के सिलसिले में हम उनको कुछ दिशा निर्देश भी उनको हम दे रहे हैं, कुछ उनसे हम रिपोर्ट भी ले रहे हैं। और आने वाले दिनों में नगर निकाय चुनाव में समाजवादी के गठबंधन में हम पूरे प्रदेश में मजबूती से हम गठबंधन से हम चुनाव लड़ेंगे, नगर निकाय का भी। आज हम यहाँ बरेली आए हैं, जो हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष जी हैं और हमारे प्रदेश के नेता हैं अफसर अली साहब, लखनऊ महानगर के आशीष तिवारी जी भी हैं, सर्वेश पाठक जी हैं और हमारे अल्पसंख्यक के आधार भाई भी हैं अध्यक्ष। तो हम लोग यहाँ पर आज हम लोग आपस में मंथन कर रहे थे कि हम कितनी सीटें बरेली में चेयरमैनी की हम लड़ेंगे और हम वार्ड में भी हम अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे। तो जहाँ जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम लोग मजबूत हैं, वहाँ पर आपस की जो प्रदेश स्तरीय एक समिति हम लोगों की बनी हुई है नगर निकाय चुनाव की, तो देखते हैं यहाँ पर हम किन सीटों पर लड़ सकते हैं, किन सीटों पर हम मजबूत हैं। तो हर पूरे प्रदेश से हम नाम इकट्ठा कर रहे हैं और प्रदेश स्तरीय एक समिति बनेगी, जो समाजवादी पार्टी की भी जो उनकी कोऑर्डिनेटिंग समिति होगी, उनसे बैठ करके हम लोग आपस में विचार करेंगे, मंथन करेंगे कि कहाँ किन सीटों पर आप मजबूत हैं, आप लड़ेंगे, कहाँ पर हम लड़ेंगे। तो इस तरीके से हम पूरे प्रदेश के अंदर नगर निकाय के चुनाव भी हम लड़ेंगे। देखिए, बरेली में तो अभी जो हमारे एक इनिशियल स्टेज पर जो हमारी बात हुई है, तो तकरीबन पाँच हमारी टाउन एरिया ऐसी हैं, पाँच छः टाउन एरिया पर जो इंगित हो रही है कि हम यहाँ पर लड़ेंगे, और अभी हम उसको ऐसे नहीं मान सकते हैं। अब हम तो इस तरीके से मानेंगे कि भाई वहाँ पर जब हमारी मीटिंग होगी, हमारे भी पार्टी के सारे विधायक और सब सारे लोग यहाँ पर आएंगे, जहाँ भी मजबूती देखेंगे वहीं पर हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव हम जीतने के लिए लड़ेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।